अस्सलामुअलैकुम। आपने चावल से बनी हुई खीर तो खाई होगी, लेकिन आज मम्मा ने इंस्टेंट खीर बनाई है और ये बस 10 से 15 मिनटों में बन जाती है। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए हमने लिया है 1 कटोरी इडली रवा। ये बिल्कुल चावल का बना हुआ होता है और ये डीमार्ट या दुकानों में आसानी से मिल जाता है। 1 कटोरी हम शक्कर लेंगे, 2 टीस्पून असली घी लेंगे, 8 से 10 इलायची लेंगे, वो भी खोल के लेंगे, और पिस्ता लेंगे 1/2 कटोरी और काजू बादाम 1/2 कटोरी लेंगे, 1 लीटर अमूल का दूध लेंगे। अभी हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ये हमारा दूध जो 1 लीटर है इसको हम गर्म करने रखेंगे। और उसे हमें एक बॉईल आए तक उबालना है। ये हमारा दूध अभी उबल चुका है, अब इसमें हम शुगर डालेंगे। और शुगर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ी शुगर जैसे ही मिक्स हो जाएगी इसके बाद हम हमारा ये इडली रवा इसमें डालेंगे और फिर मिक्स करेंगे। और मिक्स करके एक उबाल आने के लिए देंगे इसे। अभी इसमें हम ये इलायची डालेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करके उबलने देंगे। अब देखिए अभी हमारी खीर धीरे धीरे गाढ़ी होने लगी है और इसे हम इसी तरीके से हिलाते रहेंगे, नहीं तो इसके लम्स बन जाएंगे। अब ये हमारी खीर की साइड में मलाई भी साइड में आने लगी ऊपर। अब इसे अच्छी तरीके से गाढ़ी होने दीजिए। अब इसमें हम हमारे ये काजू बादाम थोड़े डालेंगे, थोड़े बाद में डालेंगे, और ये पिस्ते थोड़े से डाल देंगे। देखिए अभी ये हमारी खीर रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम अपना ये थोड़ा सा घी डाल देंगे जो असली घी है और फिर से इसे मिक्स करेंगे। और ये खीर बहुत जल्दी रेडी होती है जो इडली रवा की है, और इसे कोई अगर मेहमान भी आ रहा है घर में तो आप फौरन से इसे रेडी कर सकते हो। 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाती है। आप भी ये खीर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स में बताना है कि ये रेसिपी कैसी बनी है खीर की।